प्यारे विद्यार्थियों आज हम कक्षा कक्षाठवीं विषय राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत अध्याय दो धर्मनिरपेक्षता का उड़ान कार्य पुस्तिका का उड़ान चरण दो का कार्य करेंगे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा प्यारे विद्यार्थियों मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें धर्म निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है धर्म निरपेक्षता से अभिप्राय है कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाए राज्य की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए ये एक गद्यांश है इस गद्यांश के अनुसार कार्यपत्रक एक के जो पर्सन हैं उनका हमें उत्तर देना है ये चर्च का चित्र है ये गुरुद्वारे का चित्र है ये मंदिर का चित्र है ये मस्जिद का चित्र है ये हमने उचित मिलान कर दिया है कार्यपत्रक दो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं पर्सन दो भारत एक भारतीय एक है आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों प्रश्न चार भारत में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है कार्यपत्रक तीन पर्सन एक अंसारी दंपति को मकान किराए पर क्यों नहीं मिला अगर अंसारी दंपति की जगह आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते अंसारी दंपति को मकान किसी विशेष धर्म का होने पर मकान नहीं मिला अंसारी दंपति की जगह मैं होता तो मैं उनको विश्वास दिलाता कि मेरे धर्म के कारण उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा पर्सन नंबर दो अगर देश का कानून बनाने का कार्य आपको करना हो तो आप धर्म के मामले में कैसा कानून बनाएंगे अगर एक सभ्य नागरिक के नाते कानून बनाने का कार्य मुझे करना पड़े तो मैं ऐसा कानून बनाऊंगा जहां सभी धर्मों का समान रूप से आदर हो और किसी के साथ भेदभाव न हो कार्यपत्रक चार ये मस्जिद का चित्र है ये मंदिर का चित्र है ये गुरुद्वारे का चित्र है ये हमने ऐसी तस्वीर बनाई है जिससे सभी धर्मों में आपस में भाईचारा बढ़ता है कार्यपत्रक पत्रक पांच अपने परिवार या आस पड़ोस से किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति से मार काट के बारे में जानकारी प्राप्त करें जब अपना देश आज़ाद हुआ धार्मिक कट्टरता के कारण धर्म के आधार पर बहुत सी मारकाट हुई थी जिनका संविधान पर क्या प्रभाव हुआ हमने किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति से मार काट के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि हमारे शहर में बहुत दिनों पहले दो धर्मों के बीच अत्यधिक मारकाट हुई इसका संविधान पर असर पड़ा कि सरकार को धर्मनिरपेक्षता का कानून बनाना पड़ा जिससे सभी धर्मों का समान रूप से आदर हो